Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Learn with Noor 2023. You know that in our previous videos we are starting the tutorial and the presentations for beginners on the PowerPoint, and we learn how to use home features of the PowerPoint. In our today's session we are starting the next lecture, that is about the insert option in the PowerPoint. हम PowerPoint की insert की option में देखेंगे कि हम इसमें जो है वो किस तरह से features को use कर सकते हैं and then किस तरह से हम उनको utilize कर सकते हैं. अगर आपको आप देखें कि अगर हम insert पे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास option है, that is a new slide. ठीक है, आप अगर कंट्रोल एम करें देखिए आपकी एक न्यू स्लाइड जो है वो ऐड हो जाती है, या आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कर्सर पे जाएं और न्यू स्लाइड पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे देन वो आपको लेआउट्स दे देगा, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं. देन आपने जब इसमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और न्यू स्लाइड इसमें जो है वो ऐड हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लेआउट्स हैं जो हम पहले से ही होम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये टाइटल्स हैं, ये कंपैरिजंस हैं एंड द ब्लैंक शीट भी आप इसमें कर सकते हैं. ठीक है, अब ये हमने एक पहले से ही इंसर्ट कर ली. अब देन इसमें अगर हम दूसरे फीचर की बात करें, डेट इज़ द टेबल्स. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि टेबल दिए गए हैं, टेबल की ऑप्शन है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हम टेबल की बात करें तो हम इसको बेसिकली लेके जाते हैं कि डेट इज़ यूज ऑन द एक्सेल शीट, कि हम सिर्फ एक्सेल पे बना सकते हैं इसको या हम वर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं. नहीं, आप इसको पावर पॉइंट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स को. ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं देन उसमें टेबल को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे. इसको कट करते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपने जब टेबल की ऑप्शन है, फर्स्ट करें आपने टेबल बनाना है एक क्लास का जिसमें आपने जो है स्टूडेंट्स की रेशो बतानी है या स्टूडेंट्स की जो है वो बतानी है टोटल नंबर्स एंड द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक टेबल आपको इसमें चाहिए जिसमें आपने स्टूडेंट्स की टोटल तादाद बतानी है, एक कॉलम उसका हो गया. ठीक है, दूसरा आपको चाहिए कि जिसमें आपने बताना है एब्सेंट कितने हैं. अब इसमें आपने बताना है प्रेजेंट कितने हैं. और नंबर फोर पे अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि जी हमने बताना है कि टोटल रेशो जो है वो क्लास की कितनी रही है आज के दिन में. तो हम देखते हैं, अगर फर्ज कर लें कि 10 स्टूडेंट हैं तो हम 10 का 4 मल्टीप्लाई बाई 8 का टेबल जो है वो इसमें क्योंकि इसमें ऑप्शन अभी हमारे पास 8 तक है तो हम इसको 4 बाई 8 का टेबल जो है वो इंसर्ट कर लेंगे. देन हमने क्लिक किया और ये टेबल इंसर्ट हो गया. अब ये टेबल में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हम आप देखें शेडिंग कर सकते हैं, आप इसको बॉर्डरिंग कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट चीज़ों में इसको चेंज कर सकते हैं. देन आगे हम इसके बाद देखते हैं, ये देखें हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं. ये टोटली जो है आप अगर देखेंगे इनमें कुछ लाइट हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ डार्क हैं, ये सारी हमारे पास आ जाती है कलर शेडोज. हम लाइट रखते हैं, अगर हम लाइट रखते हैं देन हम इसको इस शेड में कर लेते हैं. यहाँ पे आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ये आपका एक कॉलम बन गया जिसमें आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लिए. देन आपने नेक्स्ट कॉलम में देखा नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, और यहाँ पे आप रख लेते हैं नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आप रख लेते हैं
total number of students. ठीक है, ये हमने फर्ज कर लिया कि हमने ये टेबल बना लिया. ठीक है, अब इसके अंदर आप जो है वैल्यूज को वन बाय वन पुट कर जाएंगे. फर्स्ट लिखेंगे, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, इस तरह से आप इसमें जो है वो क्या करते जाएंगे, वैल्यू एडिशन करते जाएंगे. और यहाँ पे अपने जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका लिख लेंगे, देन एब्सेंट स्टूडेंट्स और देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये करके आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम इसमें जाते हैं इंसर्ट में और एक न्यू स्लाइड को ऐड कर लेते हैं फिर से. ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम इसको पिक्चर कैसे ऐड करते हैं इसमें. ठीक है, अगर हम इसमें जाएं ऑनलाइन पिक्चर्स की तरफ, तो हम इसमें अगर पिक्चर्स की तरफ जाएं तो इसमें आप जब करेंगे पिक्चर को ऐड, तो देन आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपकी इसकी जो डिवाइस है इसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स आ जाएंगी आपके पास. ठीक है, और जब आप उन पिक्चर पे किसी एक पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक मैं गुजरांवाला कैंपस की पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने किया देन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब. अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. ठीक है, ये इस तरह से, देन ये हमने देख लिया कि पिक्चर को इंसर्ट कैसे करना है. अब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे इसकी करेक्शंस भी होती हैं. ये देखिए आप ब्राइट करना चाहते हैं, आप इसको कॉन्स्ट्रेंट में करना चाहते हैं, आप इसको डार्क करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ये है, शार्प रखना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर का और रिमूव बैकग्राउंड. आप बैकग्राउंड वही रखना चाहते हैं या आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कुछ, जितना आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो एरिया को आप इस तरह से जब लिख के करेंगे तो देन वो एरिया जो है वो अंदर से इरेज हो जाएगा. ये देखें मैं जिस जिस एरिया पे कर्सर लेके जाऊंगी वो एरिया इसमें इरेज हो जाएगा और उतनी सी पिक्चर सिर्फ नज़र आ रही होगी आपको. ये देखें, ये जिस जिस एरिया को, अब ये देखें कि वो एरिया ढूंढ रहा है कि आपने कौन सा एरिया जो है वो रिमूव करना है और कौन सा एरिया जो है इसमें रिमूव नहीं करना. तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है, देन उसके बाद कलर की ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको किस कलर में रखना चाहते हैं, वाइट एंड ब्लैक में करना चाहते हैं, थीम जिस जो इसका कलर अच्छा लगता है आपको, हम इसकी कलर टोन यही रखते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आर्टिस्टिक इफेक्ट है. ठीक है, ये आप आइकन कोई भी ले सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी पिक्चर नज़र आए लोगों को. उसके बाद आप देखते हैं ये बॉर्डर्स हैं आपके पास. ठीक है, ये डिफरेंट वेज हैं कि आप पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं. ये डार्क बॉर्डर आ जाएगा, ये आपका लाइट बॉर्डर है, ये आपकी सर्कल में है, स्क्वायर में है, ये है, कट ऑफ में है, ये देखें ये राउंड शेप में है, डिफरेंट शेप्स में चेंज हो रही है. ठीक है, ये चीज़ है, हम ये देखते हैं. अब उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है कि पिक्चर का बॉर्डर आपने कितना रखना है, किस कलर का करना है, आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं. उसके बाद पिक्चर के इफ़ेक्ट्स, वो आप किस तरह से करना चाहते हैं, लाइक अगर हम ग्लो में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें इफ़ेक्ट ना बहुत ज़्यादा ग्लोई चाहिए. अब ये देखें ग्लो हो गया इसकी साइड पे. ठीक है, पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए आप इसमें रख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं आपके पास. ठीक है, लाइक इसमें लेके आए, इसमें ले आए, ये चीज़ है, पिक्चर के साथ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं. ठीक है,
ये चीज़ है कि हमारे पास अगर हम देखें तो ये डिफरेंट जो है वो चीज़ों में हमें ले आता है कि हम इसको किस तरह से करना चाहते हैं ऐड अपनी। ये देखें ये चीज़ आ गई, आपने यहाँ पिक्चर दी, देन यहाँ पे आपने बताया पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये आपके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल जी करते हैं और हम इसके बाकी फीचर्स की तरफ चलते हैं। अब बाकी फीचर्स में इसमें देखें, यहाँ पे एक आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब स्क्रीन क्लिपिंग इसको कहते हैं, आप देखेंगे तो वो स्क्रीन क्लिप कर रहा है आपको जितने एरिया पे चाहिए। लाइक ये एरिया हमने किया तो ये देखें आपकी स्क्रीन क्लिपिंग हो गई और देन आपने उसको पिक्चर को स्क्रीनशॉट को ऐड कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको करें ठीक है ये चीज, उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट में हम अपने फीचर्स की तरफ, बाकी भी फीचर्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास फोटो एल्बम है जी। आप इसमें जैसे हमने एक पिक्चर ऐड की है, इसी तरह हम प्रॉपर एक फ़ोटो एल्बम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप्स हैं जो कि हमने पहले भी देखी हैं कि इन शेप्स में क्या क्या है। ये डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, लाइक अगर पॉजिटिव की शेप आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको यहाँ पॉजिटिव की शेप मिले, ये कहीं पे भी आप कोई भी शेप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास है आइकन्स, डिफरेंट आइकन्स हैं आपके पास। ये आपका जो है ना वो नेटवर्क जब अवेलेबल होता है तो आइकन्स आप तब डाउनलोड कर सकते हैं। 3D मॉडल्स भी हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट, ये जो है वो एक पावर पॉइंट की बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें ये स्मार्ट आर्ट्स आते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने इनको जो है लाइक ये है, आपने इसको इंसर्ट करना है एंड देन यहाँ पे अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देना, वो एक खुद ही आपको स्मार्ट आर्ट बना के दे देगा। उसके बाद आप देखें तो चार्ट्स, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, हिस्टोग्राम, वाटरफॉल, फ्यूनल, कॉम्बो, डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, जिनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम है, समरी जूम है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।